दोस्तों रोज की तरह अनुलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बोक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। अनुलिखित ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। लंकाकांड का प्रसंग रामचरितमानस का चल रहा है और लंकाकांड के अंदर दोस्तों जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि सेतु के निर्माण के साथ मर्यादा वस्तु भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को लौटने तक का पूरा विस्तार से वर्णन है, जिसमें रावण का वध, कुंभकर्ण का वध और मेघनाथ का वध जो और सारी लंका को समाप्त करने के बाद विभीषण को लंका की का राज्यासन को दे करके विभीषण का जो है राज्याभिषेक किया जाता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं। तो आज 20 जून 2024 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7:49 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज दोस्तों अनुराधा नक्षत्र 6:10 तक और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। साध्य संयोग है दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त की बात करें दोस्तों तो 11:53 से 12:27 तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को कर सकते हैं। आज का अमृतकाल दोस्तों 7:26 से 9:05 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:09 से 4:57 तक और राहु काल, जिसके दौरान किसी प्रकार के भी कार्य शुभ कार्यों को करना वंचित माना गया है, 2:09 से 3:49 तक। तो आज सूर्योदय दोस्तों 5:45 पर हुआ और सूर्यास्त जो है 7:11। तो आज के दिन कोई व्रत रखने का प्रावधान नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों। और जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों आज गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का की पूजा का विधान माना गया है, माँ सरस्वती का दिन भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक बृहस्पति देव की पूजा विधि विधान के साथ करता है उन्हें जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलें नहीं आती हैं, गुरु की और बृहस्पति की कृपा बनी रहती है। गुरु का आशीर्वाद हमें सही मार्ग को की दिशा और दशा को मैं दिशा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज दोस्तों विष्णु भगवान और सरस्वती माता की पूजा और अर्चना और परिवार में सुख शांति समृद्धि और जीवन में सफलता की द्योतक के रूप में माने जाते हैं। तो भगवान विष्णु को आज का दिन समर्पित होता है। भगवान विष्णु का वास केले के पेड़ में माना गया है दोस्तों, कदली के पेड़ में। इसीलिए भगवान विष्णु को कदली के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और दीपक जला करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है और श्रद्धा के भाव, तो परमात्मा की श्रद्धा के अनेकों हमारे स्रोत हैं दोस्तों। उसी अनुरूप हम पूजा पाठ के भावों से परमात्मा को मानते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग भगवान का दिन बनाया गया है, तो जीवन के कष्ट और जो परेशानियां होती हैं उनसे हमको
मुक्ति मिलती है, शांति और समृद्धि का की द्योतक है। और इस दिन दोस्तों सोना है, चांदी है, वस्त्र है, गहने खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। और कापी किताब स्टेशनरी से संबंधित जो भी सामग्री होती है उसको, उस सामान को खरीद करके घर में लाना शुभ और विद्या का प्रतीक माना गया है। बृहस्पति के दिन पीले वस्त्रों का पहनना चाहिए, शुभ कार्य होता है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। पीले फल हैं, पीले पुष्प हैं, पीले वस्त्र हैं और पीला रोली है, चंदन है, भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। तो ये सब दोस्तों हमारे आस्था के प्रतीक के रूप में हैं। और पीली चीज़ों का भोग लगाना भगवान विष्णु को शुभ कार्य माना गया है। मान्यता है कि पूरी भक्ति भाव से विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की उपासना मंत्र जाप व्रत सुख सौभाग्य की प्राप्ति के द्योतक होते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुविनः। ओम वेदाति गुरु देवाय विद्यते गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों खर्चा त्यों हृदय, दिन खर्चा भंडार। गोविंद गुरु गोविंद दोनों खे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो परमात्मा भी गुरु की, गुरु बृहस्पति गुरु का बार माना जाता है और संपूर्ण सृष्टि में गुरु ही दोस्तों एक ऐसे होते हैं जो परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी अपने बाल्यावस्था से ही गुरु की के सानिध्य में रह के अपने जीवन को सार्थक बनाया, अनेक प्रकार की धनुर्विद्या सीखी, अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया। और हमारे जो संस्कार हैं, संस्कारों को चरितार्थ करने के लिए गुरु के सानिधि में रहना हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रथम सोपान होता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद रहा, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन आदर्शता का मानक, आदर्शता के मानक के रूप में अवतरित होकर पूरी सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश से भी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी सेवा करते हैं, वह भी जिनकी आराधना करते हैं। तो गुरु का मंत्र दोस्तों ओम बृहस्पति नमः, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः, ओम ह्रीं नमः। तो गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बड़े न मान। तो बिना गुरु के, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्र न सधे, गुरु बिन बड़े न मान। यानी हम इस संसार में अवतरित होकर के मानव जीवन जब जन्म लेता है तो गुरु के सानिध्य में रहना हमारे जीवन की सबसे प्रथम कड़ी है। प्रथम पायदान गुरु के शरण में रहना है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा गुरु के सानिध्य में रह करके अनेक प्रकार की विद्याएं ग्रहण की और उन्हीं विद्याओं के परिणाम स्वरूप मानव जीवन में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया।
तो दोस्तों इसीलिए गुरु का मान और सच्चे गुरु जो होते हैं वह अपने शिष्य को सही मार्ग का अनुसरण करके उसके जीवन को सफलता तक पहुंचाने में गुरु का ही श्रेय रहता है। तो दोस्तों कल के प्रसंग में रामचरितमानस के लंकाकांड के प्रसंग में कल लंकाकांड की विस्तृत बातें मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से सबको बताया और जब रावण किसी प्रकार से भी उसका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से वह ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ा तब उसकी सेना जो है पूरी समाप्त हो गई और अंततोगत्वा मेघनाथ का भी वध हो गया और मेघनाथ ने अनेक प्रकार के मायावी शक्ति उसके पास थी उस मायावी शक्ति का प्रयोग किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी खुद ही मेघनाथ के बंधन में बंध गए यानी नाग पास में वह बंध गए। उन्होंने इस प्रकार की लीला की क्योंकि मेघनाथ ने इस प्रकार के यज्ञ किए थे जिन यज्ञों को हनुमान जी अंगद और लक्ष्मण जी ने ध्वस्त करके उसके यज्ञों को पूर्ण नहीं होने दिया। तो इसी कारण जो है मेघनाथ काफ़ी क्रोधित हो गया और भयंकर शब्दों से वह गरजने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके उसकी तरफ दौड़े और उसने अपने उसकी छाती में उन्होंने अनेक प्रकार से वार करने का प्रयास किया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की सब रचना को देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि शत्रु को मारना आसान नहीं है। अनेक जो वीर थे युद्ध भूमि से इधर उधर लौट रहे थे और वानर सेना में भी एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया था। तो अब शत्रु को पराजित होते न देखकर वानर डर गए। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी ने जो है उनको क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ विचार किया कि इस पापी को मैं बहुत बहुत समय से मतलब ये इससे मेरा युद्ध हो रहा है और ये अब इसे जो है मैं भगवान रामचंद्र की कसम खा के कहता हूँ उनकी दुहाई देता हूँ कि अब जब तक मैं इसको मारूँगा नहीं तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। तो सुमेर कौशलाधीश प्रतापा सरसंदान कीन करितापा छाणा बान माज करो लागा मरती बार कपट सब त्यागा। तब कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी विरोचित दर्प करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया बाण को खींचा और बाण छोड़ते ही मेघनाथ की छाती में वह बाण लगा और मरते समय उसने सब कपट जो है उसका समाप्त हो गया यानी अज्ञान और अभिशाप से भरा हुआ जो उसका जीवन था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो संकल्प शक्ति एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों। लक्ष्मण जी को एक बार मेघनाथ ने जो है शक्ति बाण मारा था जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी ला करके ये सभी को मालूम है लक्ष्मण जी को होश
मैं होश में आए लक्ष्मण जी, तो तब जब मेघना जो है अंत हालत में जो है जब वह मृत्यु को प्राप्त किया, तब उसके मुँह से रामा नुज कहाँ राम कहो अश कहीं छाण ही प्राण, रामा नुज कहाँ राम कहो अश कहीं छाण ही प्राण, धन्य धन्य तब जननी का अंगद हनुमान। जब अंततो गत्वा जीव जो है दोस्तों कितना भी नास्तिक होता है, परमात्मा को नहीं मानता है, जब उसका अंतिम समय आता है तो वह परमात्मा की शरण में जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का सत्य है। तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है करके वह कहने लगा और राम कहाँ है दोनों का नाम लेने लगा, और ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और श्री राम लक्ष्मण का स्मरण तुमने मृत्यु के समय किया, उनका नाम का उच्चारण किया, तुम खुद ही धन्य हो गए, तुम स्वयं ही धन्य हो गए हो। तो दोस्तों कितने भी अज्ञान रूपी अंधकार पापों से ग्रसित लोग भी परमात्मा का नाम लेते हैं तो वह हमेशा के लिए संसार के माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवंत गति को जाने जग जो। तो परमात्मा की गति को कोई नहीं जान सकता है। रामचरितमानस में इस प्रकार का प्रसंग है दोस्तों कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आदर्शों का विस्तार से वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने किया है, और रावण को बुराई और रामचंद्र को अच्छाई, असत्य और सत्य के प्रतीक, जहाँ रावण एक तरफ असत्य का सूचक है वहीं रामचंद्र जी सत्य के प्रतीक हैं, तो अच्छाई और बुराई के बीच किस प्रकार का बीच में किस प्रकार की खाई होती है, उस खाई को पाटने का काम परमात्मा ही करते हैं। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आदमी स्वयं ही अग्रसर हो जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दसों सबसे बड़ा आदर्श का सूत्र यही था कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जहाँ अज्ञान होता है, अंधकार होता है, बुराई होती है, अनादर होता है, अनेक प्रकार की पापों से ग्रस्त जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म की वृद्धि होने होती है, तब अहिंसा को हिंसा में परिवर्तित स्वयं ही हो जाता है। तो अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्श थे, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है और इसे धर्म का सार तत्व कहा जाता है। दोस्तों इससे धर्म को धारण किया जा सकता है और अहिंसा से जीवन में सभी मार्ग खुलते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा ही प्रयास किया कि हिंसा न की जाए, लेकिन जब कोई भी चीज़ सीमा से बाहर हो जाती है, लक्ष्मण रेखा जब पार हो जाती है, तब अनाचार अत्याचार बुराइयां और धर्म की हानि होने लगती है। तो अहिंसा से जीवन के सभी मार्ग खुलते हैं, संताप दूर होता है, वासनाओं का अंत होता है, समस्याओं का हल अहिंसा से होता है। तो यह मानवता का पहला पाठ है दोस्तों। संसार में यदि अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो सके तो यह सभी
समाज की जीत का परिचायक है। तो राम राज बैठे थे लोका हर्षित भय गई सब शोका। तो मर्यादा वस्तु भगवान राम जी ने जब अयोध्या में शासन किया था, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी। तो जिस प्रकार दोस्तों विवेक के बिना बुद्धि का सदुपयोग नहीं होता है, उसी प्रकार साहस के बिना अहिंसा का प्रयोग नहीं होता है। तो हिंसा तो कायरों का षड्यंत्र है, यानी रावण जैसे लोगों का हिंसा करना, रावण के अत्याचारों से लोक कल्याण का निर्माण करना। अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, जो सत्कार्यों में जो अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो उनका अंत करना जरूरी है। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों की मतलब धर्म की हानि हो रही हो, अनाचार हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो ऐसे दुष्टों को मारना नियत संगत है, नीति संगत है, गौरव मर्यादा के अनुकूल है। तो अहिंसा रामचंद्र जी का आदर्शता का सूचक था। अहिंसा वीरों का, इसीलिए वह जब कोई राक्षस उनके गलत कार्य करके जब राक्षसों को उन्होंने मारा, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति की। तो इतिहास दोस्तों इस बार का साक्षी है कि हिंसा के समर्थन के समर्थक जो हैं, सभी लोगों का दिल नहीं जीत सके। तो आज मानवता सिसकते हुए अपनी राह पर चली जा रही है, और संसार में किसी न किसी भूभाग में नित्य हिंसा के विचित्र विकार सामने आते जाते हैं। तो यह अविवेकी जनों का कृत्य मानवता के विपरीत है, अन्याय है। सही मानवीय जीवन जीने के लिए अहिंसा परमो धर्म पाप है, और जिस परम सत्ता ने उसको जन्म दिया है, उसी के प्रति विश्वासघात करना, यदि मानव अपने धर्म कर्म से गिर जाता है, जैसे रावण अपने धर्म और कर्म से पूरे राक्षसों को उसने गिराने का प्रयास किया, तो वे कभी परमात्मा के प्रिय नहीं होते हैं, तो परमात्मा को प्रिय नहीं होते हैं। तो ऐसे में महापुरुषों ने दोस्तों सबसे अच्छा संदेश दिया है कि जो भी अविवेकी लोग हिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें स्वयं अपनी आत्मा के समक्ष समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन रावण ने किसी भी भाव से समर्पण नहीं किया, इसलिए मर्यादा वसूल भगवान राम जी ने उसका अंत करने का विचार बनाया। अर्थात स्वयं अपने सामने की आत्मसमर्पण करने से उन्हें अहिंसा का सच्चा मार्ग मिलेगा। तो दोस्तों मानवता के लिए अगर हम मानवता के दृष्टिकोण से सोचें, उन्हें आत्मप्रेरणा होनी होगी, आत्मप्रेरणा उनको लेनी होगी, जिसके परिणामस्वरूप अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा। तो मेघनाथ भी जिस प्रकार से मेघनाथ की मृत्यु होने के बाद वह समझ गया, और तब उनको उसके सामने राम और लक्ष्मण जी का नाम आया। तो करोड़ों लोग बच्चे हैं, कितने इस संसार में सृष्टि में, जैसे करोड़ों बच्चों के भोले चेहरे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, बड़े से बड़े आतताई का रास्ता बन जाते हैं, और पृथ्वी पर बच्चों की करुणा भरी पुकार जिसके कानों में पड़ेगी, वह अहिंसा के पथ पर अवश्य पक्षधर अवश्य बनेगा। यानी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, बच्चों की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ अगर वो सुनेगा, जो अत्याचार उन पर होता है, तो वह कभी भी उस कार्य को करने के लिए अपने को समर्थवान नहीं समझेगा। तो हिंसा को त्याग कर दोस्तों अहिंसा का व्रत धारण करने से ही हम धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं।
इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार की जो अनाचार अत्याचार और बुराइयों से ग्रसित लोग थे, जो लोक कल्याण के कार्यों में लगे हुए लोगों को परेशान कर रहे थे और धर्म की हानि कर रहे थे, तो उनको जो है उन्होंने सदा के लिए समाप्त करके न्याय मार्ग की स्थापना का मार्ग चुन करके अहिंसा परमो धर्म को ही उन्होंने मार्ग का रास्ता बनाया और मानवता को बचाने से सबका कल्याण होता है। रामचंद्र के आदर्श में ही बातें थी। रावण को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में अवतरित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक प्रकार के दूतों को भेजा, संदेश भेजा, अनेक प्रकार से उसको प्रेरणा दी, लेकिन रावण ने इतना अत्याचार किया, जानकी का हरण किया, जानकी जी का हरण किया और भी कितने प्रकार के बैर भाव उसने मोल लिए। तो घर घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जब वह अयोध्या का शासन कर रहे थे, तो अमन चैन की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास के सभी अवरुद्ध मार्ग जो हैं खुल जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इन मार्गों को खोलने के लिए रावण जैसे अत्याचारी अहंकारी और अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए लोगों को समाप्त करके अहिंसा परमो धर्म का मार्ग सबको दिखाने का प्रयास किया। यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा रहस्य है और अहिंसा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा बल माना जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, मानने वाले जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, उन्हें हमेशा अहिंसा परमो धर्म को स्वीकारा और वही मानव जीवन के लिए चेतना का विषय बनाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानव रूप में अवतरित होकर के दुष्टों के संहार करके जो अनेक लोगों की आत्माओं को परेशान कर रहे थे, तो अपने सौजन्य से और अपने प्रभाव से लोगों के कल्याण के लिए लोक मर्यादा को बचाने के लिए आदर्शता के भावों से सृष्टि का की संरचना करने के लिए रावण के समस्त कुल का अंत करना पड़ा उनको। लेकिन उन्होंने हमेशा अहिंसा परमो धर्म आज के लंकाकांड के प्रसंग में बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राग बन आयो तास मरण सुनि सुर गंधवा चढ़ी विमान चढ़ी नवेश। तब जब यानी मेघनाद का अंत हो जाता है, बिन प्रयास हनुमान उठायो, हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका द्वारे राख बने आयो और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आई। यानी लंका का जो दो चीज़ लंका की है वो लंका को ही देती, उन्होंने वहीं रावण के वहाँ रखा और तासमरण सुनी सुर गंधर्वा, उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों चढ़वा आकाश में आ गए। तब उनको इतना प्रसन्नता हुई, क्योंकि दोस्तों जो अधर्म की नीति पर और अनेक लोगों को परेशान करते हैं उसको मारना नीति संगत है, ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है और ये अहिंसा परमो धर्मों का ही भी सूत्र है। जब हम तो बरसि सुमन दुंदुभी बजाई श्री रघुनाथ विमल सुगावी जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। तब अनेक प्रकार के जो देवता थे वह लोग अपने अपने जगहों से अपने सुमन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। जिसने इतने बड़े अत्याचारी जो धर्म की नीति को नहीं जानता था, कुमार्ग पर चलता था, अनेक प्रकार के जानवरों की हत्या करके अपना उसका सेवन करता था, तो ऐसे लोगों को समाज के सही निर्माण के लिए, धर्म की मर्यादा को जीवित रखने के लिए और लोक कल्याण के लिए अहिंसा परमो धर्म के रास्ते को स्वच्छ करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए ऐसे लोगों का अंत करना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के
का प्रथम कर्तव्य था, यही रामचरितमानस में वर्णन है। तो जय अनंत जय जगधारा, तब आपकी जय हो और जगत के आधार आपकी जय हो। हे प्रभु तुम प्रभु सब देवन विस्तारा, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। यानी देवताओं को भी इस प्रकार से परेशान उसने किया था, मायाई शक्ति से अनेक प्रकार के गलत कार्यों को वह करता था। अस्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए, सुतबद्ध सुना दशानन जब ही मूर्छित भय परम ही पड़े। तो पश्चाताप तब रावण करने लगा, अपने अज्ञान रूपी अंधकार और अहंकार से उसने कभी समझौता नहीं किया, इसी के परिणाम स्वरूप उसका जीवन जो है अस्तुति करी सूर्य सिद्ध सिधाई, देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। भगवान रामचंद्र जी का या लक्ष्मण जी का स्तुति करके वह चले गए। लक्ष्मण कृपा सिंधु वहीं आए और लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आ गए, मेघनाथ को मार करके। शुद्ध बद सुधा सुना दशानंद वहीं, जब रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार रावण को प्राप्त मिला, मूर्छित भयं परम वही तबही, क्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यानी पश्चाताप उसको अज्ञान रूपी अंधकार जो अत्याचार उसके अंतकरण में था वह हमेशा आगे समाप्त हो गया। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांज पुकारी, अनेकों बार मंदोदरी ने रावण को समझाया, लेकिन रावण हमेशा मंदोदरी की बातों को टालता रहा और अपने बल का घमंड दिखा करके मंदोदरी को आसक्त करता था। तो मंदोदरी तब छाती पीट पीट कर रोने लगी और इस प्रकार से पुकार पुकार का बड़ी भारी विलाप करने लगी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा और नगर के सब लोग शोक में, जो लंका के निवासी थे वो शोक से व्याकुल हो गए। सकल कहीं दशकंदर बोहा, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण की नीचता, तब रावण को जब सब कोसने लगे, तब दशकंदर विविध विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत स्वभाव देखो हृदय में था। तो ज्ञानी रावण बहुत था और वेदों की मर्यादा को भी जानता था और उसको ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान भी था, लेकिन राक्षसी माया में परिवर्तित उसका शरीर हो गया, उसका जीवन हो गया, उसका मन हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से उसका ज्ञान ढक गया। तब दशकंड विविध विधि, तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया। स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों को समझाना बड़ा कठिन होता है, तो रावण जो है यही भाव से बैर करने लगा कि रामचंद्र के हाथ से रावण मौत चाहता था, मृत्यु चाहता था। समस्त जगत का दृश्य रूप नाशवान होता है, तब समझाता है कि पूरा संसार जो है नश्वान है, अगर आदमी एक दिन जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हृदय में विचार कर देखो, सब अपने अपने हृदय में विचारो, तो यह शरीर नश्वान है, यह हमेशा नहीं रहता है और कुछ दिनों तक के रहता है, इस प्रकार का ज्ञान देता है। तिनही ज्ञान उपदेश रावण, आप न मंद कथा सुपावन। तब रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, वह स्वयं तो नीच है, आप उन मंद कथा सुपावन, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो कुछ लोग निपुण होते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना सबसे बड़ी बात है। पर ऐसे लोग जे आश्रय दे नरन घनेरे, ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है जिस प्रकार का उपदेश देते हैं, जिस प्रकार की मान मर्यादा करते हैं, जिस प्रकार का आचरण करते हैं, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं। रावण जो है वह मन से कुछ और कहता था और बाहर कुछ और करता था, मन से कुछ और सोचता था, यानी अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से वह ढका। राक्षसी गुण उसमें विद्यमान हो गए थे। निशा सिनान भयों बिन सारा, लगे भाल कभी चार हूँ दारा,
सुबर्ट बोला है दशानन बोला रन सन्मुख जाकर मन बोला। तब सन यानी रात बीत गई सुबेरा हुआ निशा सिरान भरे बिन सारा और लगे भाल कपिचाल हूँ दारा रीझ हैं बानर हैं चारों दरवाजों पर जा जटे हैं। जब तक रावण की मौत नहीं होगी तब तक बानर सेना वहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नीति है कि जब पूरा पूरा संपूर्ण लंका का समाप्त होगा उसके बाद ही सीता को वो लाएंगे और उससे पहले अनीति और मर्यादा के प्रतिकूल काम वो नहीं करेंगे। तो अब रात बीत गई सवेरा हुआ भयो बिन सारा लगे भाल कभी उतार सारा चारों दरबारों पर डटे हुए बानर जो हैं योद्धाओं को बुलाकर दशमु रावण ने कहा सुबट बोला दशानन बोला रण सन्मुख जाकर मन डोला। लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डबाडोल हो यानी इस प्रकार से वो अपने मन को डबाडोल करने लगा किन कर्तव्य मौन हो गया सो अब ही बरु जाओ पराई संजुग विमुख भये न भलाई निज भुज बल में बयर बढ़ावा देव हूँ उतर जो जिप चढ़े आओ। तब सो अब ही बरु जाओ पराई अच्छा है वह अभी भाग जाए युद्ध में जाकर विमुख होने भागने से भलाई नहीं है और निज भुज बल में बैर बढ़ा मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है यानी मैं दस सिर और बीस भुजाएं जिसकी है उन्हीं के बदौलत मैंने अपनी शक्ति के बदौलत ही रामचंद्र जी से बैर मोल लिया है और देखूँ उतर सूर्य चढ़िया हूँ जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपनी उत्तर स्वयं ही मैं उसका उत्तर दूंगा मेरे पास इतनी शक्ति है अस कहीं मरुत बेगरद साजा। तो ऐसा कहकर उसने इस प्रकार की बातों को कह करके उसने पवन के समान तेज चलने का रथ सजाया और फिर भी बता इतना होने पर भी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और वह ज्ञान रूपी अंधकार में लगातार उसके अंतकरण में जगता रहा। बाजे सकल जुझार बाजा और सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे इस प्रकार का कौतूहल करने लगा चले वीर सब अतुलित बली सब अतुलित बलवान वीर चले मानो काजल की आंधी चली हो जनों का जल दे आंधी चली। ऐसा परिवेश ऐसा वातावरण बना रहा है अशोकन अमित हो ही सभी तिही काला गणय न भुजबल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशुगुण होने लगे जब रावण इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहा है अपने रथ को सजा रहा है तो अनेक प्रकार के अशुगुण हो गए तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मती पहले हर लेते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण की बुद्धि में बुद्धि हर गई है इसीलिए वह अनाचार अत्याचार के प्रति प्रतिशोध नहीं कर रहा है और लगातार उसको बढ़ जैसे जैसे उसका आपत्ति आ रही वह और उससे और तेज उसमें आ रहा है। तो इस प्रकार जब बुराई तब जब दोस्तों जब परमात्मा किसी को परेशान करते हैं तो उसकी बुद्धि पहले ही हर जाती है तो रावण की बुद्धि जो है पूर्ण रूप से हरण हो गया था उसका। तो भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। तो अति गर्व गनैन सगुन अशगुन सुवनी आयुध हाथ दे हट गिरत रथ जे बाज गद चिक्रही बाजे साथ दे गो माय गीध कराल खर रव स्वान बोलही अति घने जन को काल दूत उलूक बोलही बचम परम भयावने। तब रावण के जब दिन खराब आते हैं तो अनेक प्रकार के जो है उल्टी शगुन होने लगे अशगुन होने लगे अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अशगुन का विकार नहीं करता है किसी प्रकार का उसको कोई डर नहीं है और हथियार हाथों से गिर रहे हैं योद्धा रथ से गिर पड़ रहे हैं अनेक प्रकार के जो है अशगुन उसके सेना के साथ हो रहे हैं हाथी हैं घोड़े हैं छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं और श्यार है गीर है कौए हैं गधे शब्द कर रहे हैं जब ये शब्द करने लगते हैं तो ये अशगुन के मानक माने जाते हैं। तो बहुत अधिक
कुत्ते बोल रहे हैं और उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं कि मान लो काल के दूत मृत्यु का संदेश आ रहे हैं। इस प्रकार से रावण के लिए अनेक प्रकार के अशुभनमय वातावरण उसके लिए हो रहा है। और क्योंकि रावण पूर्ण रूप से अभी भी उसको अपने बल का इतना घमंड है, ताई की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूँ मन विश्वास, ताई की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बसो राम में मुख रत। तो जो जीवों के द्रोह में रत है, यानी जीव के प्रति जिसका बिल्कुल भी कोई स्नेह नहीं है, शुभ सपने हूँ मन विश्राम और राम विमुख है, मोह के वश में हो रहा है, माया जीवों के जीवों से द्रोह से पूर्ण रूप से अभिशप्त है, मोह के वश में हो गया है और मन में राम विमुख है, भूत द्रोह रत मोह बसो राम विमुख अधिकाम, यानी वह राम विमुख है और काम आ सकते हैं, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शगुन और चित्त की शांति हो सकती है। जो व्यक्ति इस प्रकार का इस संसार में है, सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना, बरबल वास न रखकर दाता दुष्ट संग जन देवी दाता, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, यही रामचरितमानस में भी कहा गया है दोस्तों। तो रावण की मति में कुमति का वास हो गया है। तो जीवों के द्रोह से जो रथ है, मोह के बस में जो पूर्ण रूप से अभिशप्त है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे अवतारी परमात्मा के जो विमुख है और कामों में जो पूर्ण रूप से आसक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति सुख शगुन और चित्त की शांति हो सकती है। उसको चित्त की शांति न इहलोक में हो सकती है न परलोक में हो सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में रामचरितमानस के लंकाकांड के आज के प्रसंग में रावण की नीति, रावण की अमर्यादित जो नीति थी, जो उसका आचरण था, जो उसका द्रोह मोह द्रोह लोभ के आचरण से अभिशप्त था, उसको कभी भी स्वप्न में भी संपत्ति है सुख शकुन है चित्त की शांति को जानता ही नहीं था। नीति की बात करना तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। तो ऐसे लोग नीति से परहेज करते हैं, मर्यादा से परहेज करते हैं, आदर्शता से परहेज करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में रावण जो है अब अंत रह गया है कि रावण का अंत होने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने धीरे धीरे रेवनो धीरे सबको जो धीरे धीरे जो है सबका अंत किया, मर्यादा के अनुकूल काम किया, लेकिन रावण की बुद्धि में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ। लगातार उसकी बुद्धि अज्ञान रूपी अंधकार की तरफ बढ़ती रही, जिसके परिणाम स्वरूप उसके संपूर्ण राज्य का अंत हो गया। सबके मंगल भव उसकी कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर न रहे। रावण जैसे अत्याचारी अनाचारी और धर्म की अधर्म की नीति से चलने वाले लोगों को परमात्मा कभी भी माफ़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारी नीति कहती है, हमारी मर्यादा करते हैं। और रामचरितमानस में इसी प्रकार, इसीलिए रामचरितमानस में रामचंद्र का चरित्र मानवता के रूप में अवतीत होकर के उन्होंने अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं का संहार करके मानव चेतना को जागृत करके धर्म की रक्षा करने का काम किया। सबके मंगल भव की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।